वेलकम बैक लर्नर्स तो इस वीडियो में और आने वाले तीन वीडियोस के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनसेशन प्लान्स देखेंगे कोई भी कंपनी किस तरह से अपनी कंपनसेशन पे करे अपने वर्कर्स को ये डिसाइड करने के लिए उसके पास तीन मोटे-मोटे तौर पे ऑप्शंस होते हैं ज्यादातर जो कंपनीज होती है पहले जैसे ये देखा जाता था कि पहले वर्कर्स एंड कंपनीज यूज्ड टू तो प्रेफर स्टेट सैलरी प्लान बट अब जो रिसेंट रिसर्च बोलती है वो ये कहती है कि अराउंड जो है, जो कंपनीज होती फर्म्स बट कंपनीज दे प्रेफर कॉम्बिनेशन प्लान सैलरी और कमीशन ये सब का कॉम्बिनेशन प्लान वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हुई जैसे दे प्रेफर स्टेट सैलरी प्लान क्योंकि उसके अंदर क्या है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन की गुंजाइश नहीं होती वहीं पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वहां पे कमीशन प्लान ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि अगर आप कोई बहुत बड़ी डील कर रहे हैं अगर कोई प्लॉट की या जमीन की कोई बहुत बड़ी डील कर रहे हैं तो आपको बड़ी कमीशन मिलती है वहीं पे अगर आपका छोटा कोई रेंटल डील होती है या कोई फ्लैट का डील होता है तो आपको छोटी कमीशन मिलती है तो वो इस इंडस्ट्री के अंदर स्टेट कमीशन प्लान ज्यादा प्रेफर करते हैं हम मोर और लेस जो देखते हैं हमारे आसपास जो मोर और लेस देखते हैं तो कॉम्बिनेशन प्लान ज्यादा लोग प्रिफर करते हैं तो लेट्स अंडरस्टैंड ईच प्लान वन बाय वन द फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनसेशन प्लान दैट इज अवेलेबल टू अस एज सेल्स मैनेजर इज स्टेट सैलरी प्लान अब इस प्लान के अंदर क्या है कि आप हंड्रेड परसेंट जो कंपनसेशन दे रहे हैं वो एक फिक्स सैलरी के रूप में अपने एम्प्लॉज को अपने सेल्स पर्सन को दे रहे हैं फिक्सेंटेटिव टोटल पेमेंट रिसीव बाय मतलब उसने जो आपको सर्विस की सर्विस uh, दी कंपनी के अंदर जो उसने नौकरी की उसके बदले में आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी रेगुलर इंटरवल में दिया जाता है मंथली या वीकली सेल्स पर्सन की जो जॉब होती है मोस्ट मोर और लेस मोस्टली मंथली सैलरी बेसिस पे होता है मतलब कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपकी दस हजार है पगस हजार रूपए आपकी सैलरी है तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन कोई इफ बट नहीं है जैसे ही महीना पूरा होगा महीना पूरे होने के बाद दस हजार रुपए आपको स्ट्रेट सैलरी आपकी फिक्स इनकम आपको मिल जाएगी ये प्लान ज्यादातर कॉमन होता है इंडस्ट्रियल गुड्स बनाने वाली कंपनियों के अंदर या फिर कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली जो कंपनियां होती है वो ये प्लान प्रेफर करते हैं हाउएवर इसकी अब धीरे 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 देखा जा रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं कम होती जा रही है पहले इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं के स्टेट सैलरी प्लान के क्या एडवांटेजेस होते हैं फिर हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेंगे तो एडवांटेजेस जो होते हैं स्टेट सैलरी प्लान के सबसे पहले ये अपने सेल्स पर्संस को एक सिक्योर इनकम देता है जिससे उनके जो रेगुलर लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर हो जाते हैं सो दैट उनको बहुत स्ट्रेस बहुत टेंशन नहीं रहती कि भाई हमारा बेसिक घर कैसे चलेगा ये टेंशन उनके दिमाग से निकल जाती है अ इस प्लान के कारण ये ये थ्योरी कहती है मैं इसे हंड्रेड परसेंट अग्री नहीं करता हूं बट थ्योरी ये कहती है कि इस प्लान के कारण सेल्स पर्सन दे आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म नॉन सेलिंग एक्टिविटीज ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल पेमेंट कलेक्शन हुआ आपका मार्केट रिपोर्ट जो कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है ये आपके लिए इजी हो जाता है बिकॉज सेल्स पर्सन वो लोग पता है कि वो जो भी अगर वो कम सेलिंग भी थोड़ा कर देंगे और थोड़ा सा फोकस अगर वो कलेक्शंस uh, के ऊपर दे देंगे या कस्टमर सर्विस के ऊपर दे देंगे तो भी उनको उतनी ही इनकम मिलनी है तो इसके लिए दे आर विलिंग टू परफॉर्म नॉन सेलिंग एक्टिविटीज ऑल्सो इसका एक एडवांटेज ऐसा कहा जाता है कि इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द कंपनी बिकॉज लोगों को पता है कि भाई मुझे हर महीने मेरी कंपनी से दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार मुझे पगार मिलनी है तो मैं कहीं और जाके रोज रोज नया काम क्यों ढूंढूं उसकी जगह पे एक अच्छी कंपनी में एक सिक्योर जॉब लेके मैं लगा रहा इसीलिए लोअर टर्न ओवर ऑफ सेल्स पीपल भी इस प्लान के थ्रू देखा जाता है इट हेल्प्स इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी ऑल्सो बिकॉज सेल्स पीपल जो होते हैं वो कस्टमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालते दे ट्राई टू फोकस मोर ऑन कस्टमर सर्विस कस्टमर की ग्राहक की जो नीड्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं तो इसीलिए कस्टमर्स को भी थोड़ा सा लॉयल्टी डेवलप कर पाते हैं इस प्लान के थ्रू और कंपनी के व्यू पॉइंट से अगर इसको देखें इस प्लान को देखें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि ये सिंपल है इकोनॉमिकली इसको एडमिनिस्टर करने का कोई बहुत आपको ट्रैक रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है सिंपल आप एक अटेंडेंस रजिस्टर या आपने कंपनीज का अगर आप एम्प्लॉई सॉरी एम्प्लॉय का अगर आप अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि भाई कोई फलाने एम्प्लॉई ने महीने में तीस दिन में से कितने दिन आया ड्यूटी पे खाली अगर आप ये गिन लेते हैं तो आप उसकी सैलरी गिन के उसको दे सकते हैं सो so, इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इट इज इजी टू बजट एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोल आप अपने सेल्स पर्सन के ऊपर लगा सकते हो बट uh, इसके एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी है चलिए वो भी देख लेते हैं तो डिसएडवांटेजेस जो है जो पहला डिसएडवांटेज है दैट इज दैट इट प्रोवाइड्स लिटिल फाइनेंशियल इंसेंटिव टू सेल्स पीपल टू एक्सपर्ट मोर एफर्ट्स एंड टू इंप्रूव परफॉर्मेंस अब जैसे कि मैंने कहा था अगर एक कंपनी में पांच सेल्स पर्सन काम कर रहे हैं एक सेल्स पर्सन अगर दस घंटे की जगह बारह घंटे काम करता है तो भी उसको उतनी पगार मिल रही है जितनी पगार उस व्यक्ति को मिल रही है जो सिर्फ घंटे काम कर रहा है और ना सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स ना सिर्फ घंटे बट जैसे पांच सेल्स पर्सन आते हैं अभी उनको पता है हमको सिर्फ आके अटेंडेंस रजिस्टर में साइन करनी है या हमारे पंच इन पंच आउट करना है हम ड्यूटी पे बैठ के भले ना मोबाइल पे ऊपर गेम्स खेले लूडो खेले नेटफ्लिक्स देखे या फिर हम अपना टाइम पास करते रहे बतियाते रहे हमारे को तो उतनी पगार मिलनी है तो वो उनका एफर्ट थोड़ा सा कम हो जाता है ये इसका एक डिसएडवांटेज माना जाता है क्योंकि फिर सेल्स पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई मुझे सिर्फ आके बैठना ही है तो फिर क्या फायदा आप क्लास में भी जैसे देखते होंगे अगर क्लास में बोल दिया जाए कि आप भाई कुछ भी कर लो सभी बच्चों को इक्वल मार्क्स मिल जाएंगे बस आपको क्लास में आके बैठ जाना है तो स्टूडेंट्स क्लास में आएंगे सिर्फ आके बैठे रहेंगे अटेंडेंस लगा के चले जाएंगे दे डू नॉट हैव द इंसेंटिव टू परफॉर्म बेटर सो so, इंसेंटिव डालने के लिए इसीलिए मार्क्स का सिस्टम आता है ग्रेडिंग का सिस्टम आता है तो ये इस प्लान की कहीं ना कहीं एक खामी है फिक्स सैलरी जो होती है ये नई कंपनियों के लिए एक छोटा सा थोड़ा सा बर्डन बन जाती है या फिर ऐसी कंपनियां जिनके अंदर एक लॉस फेज चल रहा है थोड़ा सा मार्केट अगर डाउन चल रही है जैसे अभी ये कोरोना के टाइम पे ही देखा गया है कोविड के टाइम पे ही देखा गया है कि जब सारे के सारे बिजनेसेस बंद हो गए तो गवर्नमेंट ने ऐसा डायरेक्टिव दिया कि भाई आपको सबको सैलरी तो देनी पड़ेगी अब बंद कंपनी के अंदर सैलरी पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो वही बिकॉज uh, uh, आपके पास सेल हो रही है नहीं हो रही है उसके बावजूद आप लॉस बना रहे हैं प्रॉफिट बना रहे हैं वो सब मैटर नहीं करता है आपको किसी भी हालत में फिक्स सैलरी देनी पड़ेगी तो ये नई कंपनीज के लिए या लॉस मेकिंग कंपनीज के लिए थोड़ा सा घाटे uh, का सौदा होता है डिसएडवांटेज होता है uh, मैं आपको ये पहले ही समझा चुका हूं इट मे लीड टू एन एवरेज But not outstanding performance. आप सिर्फ उतना ही काम करोगे कि ठीक है, है बाकी कोई एक्सेप्शनल काम करने का कोई फायदा नहीं है uh, एक और जो इसका है कि कई बार क्या होता है कि सैलरीज खासकर हमारे देश में देखा गया है कि आपकी सैलरीज जो डिफरेंस आता है अभी खैर नई कंपनीज के अंदर ये प्रॉब्लम सुलटती जा रही है पर पहले के जमाने में देखा जाता था कि भाई आप जस्ट बिकॉज आप कंपनी के अंदर दस साल से जुड़े हुए हो तो आपकी पगार इतनी होगी और एक फ्रेशर की पगार कम होती है सीनियर के मुकाबले ये नहीं देखा जाता कि दोनों में से ज्यादा एफर्ट कौन डाल रहा है ये देखा जाता है सीनियर कौन है तो मेरिट की जगह जब सीनियोरिटी की तरफ कंपनीज ध्यान देती है तो जो यंग सेल्स पर्सन होते हैं या फिर जो लेस एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन होते हैं वो थोड़ा सा डीमोटिवेट होते हैं उन्हें लगता है यार मैं भी उतना ही काम कर रहा हूँ जितना ये इंसान काम कर रहा है उसके बदले में मेरे को इतनी कम सैलरी मिल रही है तो ये कभी कभी एक डिसएडवांटेज हो जाता है अभी इतने सारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को मद्देनजर रखते हुए अगर आप सोचते हैं तो कुछ कंपनियां या कुछ इंडस्ट्रीज मैं कहूंगा ऐसी होती है कि जहां पे स्ट्रेट सैलरी प्लान लेना बेस्ट सूटेबल होता है तो यूजुअली ऐसा कब विच इज वेन इज इट कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सेल्स ट्रेनीज़ हायर कर रहे हैं मिशनरी सेल्स पीपल हायर कर रहे हैं या फिर अगर आपकी कंपनी को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नई टेरिटरी में जाना चाहते हो तो वहां पे आपको एक फिक्स सैलरी अपने सेल्स पर्सन को देनी पड़े वो ज्यादा समझदारी है बिकॉज आपको सेल्स पोटेंशियल का अभी तक कहीं ना कहीं इतना आइडिया आया नहीं है जो ट्रेनी होते हैं उनको आपको जब भी खासकर ट्रेनी को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता तो उनको खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम कोटा अचीव कर पाएंगे टारगेट अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो वो लोग कमीशन की जगह एक स्टाइप या एक स्ट्रेट सैलरी प्रिफर करते हैं मिशनरी जिस तरह से मैंने बोला कि भाई जिनका काम सिर्फ मिशनरी सेल्स पीपल क्या होता है इनका मेन काम होता है इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर ऑर्डर्स तो आप उनकी कमीशन उनकी सेलिंग फिगर के साथ लिंक नहीं कर सकते बिकॉज उनका ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है अब कंपनी के प्रोडक्ट समझाने में तो इसीलिए वहां पे एक फिक्स सैलरी वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं लास्ट मैंने जिस तरह से बोला कि जहां पे आप अपने कंपनी के एक नया प्रोडक्ट लाइंग या फिर एक नया मार्केट में घुसना चाहते हैं तो उस समय थोड़ा सा स्टार्टिंग में सेल डाउन होता है तो उस समय अगर आप अपने नए सेल्स पर्सन को या फिर अपने एक्सपीरियंस सेल्स को भी एक सैलरी सैलरी देते हैं तो थोड़ा सा उनका मोटिवेशन ठीक रहता है तो इन सिचुएशन के अंदर स्टेट सैलरी प्लान इज द बेस्ट टाइप ऑफ कंपनसेशन प्लान जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्टेट कमीशन प्लान की तो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो टू वॉच दैट